हेलो दोस्तों, रेलिनो कंपनी का बहुत सारे मशीन लॉन्च किए हैं, तो ये मशीन मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा क्यों लगा है आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये मशीन में थोड़ा प्रॉब्लम भी है, तो जो प्रॉब्लम है ना वो हमने सॉल्व किए हैं। तो ऐसे मशीन आपको पृथ्वी प्रीमियम कंपनी में देखने को मिलते हैं, बहुत सी चाइनीज मशीन में ऐसे मशीन देखने को मिलते हैं। तो रेलिनो कंपनी ने सेम मशीन तैयार किया है, इसमें क्वालिटी थोड़ा बेटर है। तो बेटर क्वालिटी क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। तो मशीन में क्या प्रॉब्लम हुआ था आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये जो मशीन है ना, इसमें केबल ख़राब हो गया था। जहाँ पे केबल बॉडी के नीचे रहता है ना, हैंडल के साइड में, बहुत बार आगे पीछे होने से उसमें केबल ख़राब हो जाता है। सभी मशीन जैसे केबल हम खुद रिपेयर कर लेते हैं ना, खोलने के बाद केबल को जोड़ के फिटिंग कर लेते हैं ना, सेम प्रॉब्लम हुआ था। खोलने के बाद मशीन में क्या हुआ, फिटिंग बड़े से नहीं हुआ है। जब भी मशीन चला रहे बहुत ज़्यादा फ्लास हो रहा है, उसमें शॉक भी लग रहा है। तो मेरे पास रिपेयर करने लेके आए। तो मशीन में क्या हुआ है हमें पहले खोल के देखना है। तो मशीन को पहले हम ओपन करते हैं। मशीन बड़े से ओपन किए है, तो ओपन करने के बाद मैंने देखा इसमें जो कार्बन होल्डर का जो स्प्रिंग होता है ना, वो कटिंग हो गया है। तो कटिंग होने वजह से इसमें आर्मेचर के साथ टच हो रहा था, तो ये टच होने से स्पार्क भी हो रहा है, शॉक भी लग रहा है। तो आपके साथ शेयर करते देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है। इसमें जो फिटिंग से ना थोड़ा अलग होता है, तो चाइनीज़ वाला जो मशीन है उसमें जहाँ पर कार्बन होल्डर एक फाइबर होता है ना, सफ़ेद कलर जो फाइबर दिखाई दे रहा है, ये फाइबर बहुत ही लाइट होता है, उसमें होल्डर बड़े से बैठ नहीं पाते, कभी कभार टूट भी जाता है। तो रेलिनो कंपनी ने बॉडी जो ना फाइबर वाला बॉडी बहुत ही हेवी बनाया है। जो फाइबर का जहाँ पे कार्बन होल्डर फिटिंग होता है वो भी थोड़ा हेवी है। तो कैसे है मैंने रिपेयर किया आपके साथ शेयर करते हैं। सभी पेयर पास को हम धीरे धीरे करके बाहर कर लेते हैं। उसके बाद हमें मशीन में जो प्रॉब्लम हुआ है ना, उसको हमें बढ़िया से देखना है, देख के हमें पता करना है इसमें क्या हुआ है। तो पता चल जाएगा तो हम उसको जल्दी रिपेयर कर पाएंगे। मैंने देखा इसमें स्प्रिंग ख़राब हो गया है, तो नया स्प्रिंग हम ले लेते हैं। तो ऐसे फिटिंग रहते हैं, वो ख़राब हो गया है, तो इसमें जो नया वाला स्प्रिंग आपको दिखाया उसको हमें फिटिंग करना है। तो सोल्डिंग करके हम उसको फिटिंग करेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो होल्डर है ना, होल्डर फाइबर वाला केस में बड़े से फिटिंग रहना है, तो बॉडी के साथ बड़े से फिटिंग नहीं रहना है। तो बॉडी के साथ फिटिंग बड़े से रहने से क्या होता है, जब हम उसको ओपन करते हैं ना, तो बॉडी के साथ रहने से वो कार्बन होल्डर बॉडी के साथ बाहर हो जाता है, कार्बन का जो स्प्रिंग है ना वो खोल जाता है,
तब जब फिटिंग करते बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, तो उसको कैसे ठीक करना है। मैंने चाइनीज़ वाला मशीन रिपेयर किया, बहुत ही ज़्यादा कष्ट मिलता है। तो इस मशीन में जो फाइबर जहाँ पे कार्बन होल्डर फिटिंग है ना, बहुत ही हेवी है। तो मैंने सोचा है कार्बन होल्डर को थोड़ा घिस के आउटर जो बॉडी है ना उसको थोड़ा पतला बना लेते हैं, बॉडी में ईजी बाहर हो जाएगा, फाइबर का केस में वो बढ़िया से फिट रहेगा। तो जब भी मशीन ओपन करेंगे बढ़िया से ओपन हो जाएगा। तो मैंने कैसे काम किया है, ग्राइंडर की मदद से उसको कटिंग किए, उसके बाद फिटिंग किया, आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, कंपनी को ऐसे करना था, कंपनी ने नहीं किया है। तो जो मशीन खरीद रहे हो तो उसको अपना जो काम है ना आपने से कर लेना है, नहीं तो शॉप में जाके आपको वीडियो देखा के करना है। जितने दिन मशीन चल रहा है आप उसको चला लीजिए, जब आपको ओपन करना है तब आपको उसका कर लेना है, नहीं तो बार बार ऐसे प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। मशीन बहुत ही अच्छे है, मेरे को बहुत पसंद भी है। तो मशीन बहुत दिन से चल भी रहा है, बहुत हेवी लोड में उसको काम भी कर पाओगे। अब मार्केट में जो भी मशीन आप खरीद रहे हो 1500 से 2000 के बीच में, ये मशीन मेरे को बहुत अच्छा लगा और सभी मशीन से बेटर है, तो मशीन आप खरीद सकते हो।
अंदर बैठा के भी देख लेते हैं बढ़िया से बैठ रहा है, तो इसमें फिक्स्ड बैठेगा, जो फाइबर वाला केस है इसमें फिक्स बैठेगा और बॉडी में वो प्ले रहेगा। तो जब भी बाहर करेंगे ना, आर्मेचर फील्ड और होल्डर बाहर हो जाएगा, बॉडी सिर्फ बैठा रहेगा। आप बॉडी बैठते हैं ना, उसमें ग्रिप होते हैं, उसमें फिटिंग अलग होता है। आप मशीन खोलोगे तो आपको उसके बारे में डिटेल्स जानकारी मिल जाएंगे। तो इसमें जो फानसन कंपनी दी है मेरे को बहुत अच्छा लगा, और इसमें कार्बन बाहर से आप ओपन कर पाओगे। होल्डिंग करके स्प्रिंग को फिट कर लिया, उसके बाद कार्बन होल्डर के साथ उसको फिट कर रहे हैं, तो बड़े से फिटिंग हो गया है। देखिए मैं आपको थोड़ा पास में दिखाते हैं, देखिए कितना बड़े से फिटिंग हो गया है। तो अभी बड़े से फिट हो गया है, मशीन को हम फिटिंग करके आपको चलाएंगे। ऐसे सेम मशीन आपको माकिटा कंपनी का एक मशीन देखने को मिलते हैं, थोड़ा महंगे मिलते हैं आपको, 4,500 से 5,000 में बीच में मिलेंगे। वो मशीन बहुत ही महंगे हैं, ये मशीन आप खरीद सकते हो, बहुत ही आपको सस्ते में मिल जाएंगे, आपको 2,000 के बीच में मिल जाएंगे। बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन है, और मशीन में जो प्रॉब्लम था मैंने उसको ठीक कर लिया। उसके बाद मशीन को फिटिंग करके मशीन को चला के आपको दिखाते हैं।
देखिए मशीन बड़े से फिटिंग भी हो गया है, तो इसमें जो फिटिंग है ना, देखिए कार्बन का जो स्प्रिंग है ना बिल्कुल बड़े से बैठ गया है, तो इसमें मशीन बड़े से, देखिए इसमें होल्डर भी बड़े से फिट हुआ है। सभी कुछ हम फिटिंग करने के बाद मशीन को बड़े से वायर को अंदर डाल लेना है, तो इसमें छोटे जगह होता है उसमें आपको सभी वायर को बारीकी से फिटिंग करना है, उसके बाद आपको कवर को फिट करना है। थोड़ा फास्ट में काम को हम कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगा था तो टाइम लगते हैं काम को करते हुए। देखिए इसमें फिटिंग्स बड़े से हो गया है, जब ऐसे फिटिंग बैठ जाएगा तो आपको उसमें स्क्रू को कसना है, उसमें वायर भी बाहर हो रहा है नहीं हो रहा है आपको उसको चेक करके फिट करना है। तो बड़े से फिट होता है ना, उसके बाद आपको फिटिंग करना है, नहीं तो क्या होगा, कभी कभार जो केबल है ना बाहर अंदर रह जाता है, उसको पैसा देने से कटिंग हो जाता है, आपको देख के फिटिंग करना है। फिटिंग हो जाने के बाद आपको इसको आर्मेचर को जो पंखा है ना उसको घुमा के भी चेक करना है, मशीन बड़े से मूव हो रहा है, उसमें अंदर बहुत ही इजी से वो मूव हो रहा है। देखिए बड़े से मूव हो रहा है तो उसमें फिटिंग्स बड़े से हुआ है। उसके बाद आपको कार्बन फिट करने के बाद मशीन को चलाना है। না মেশিন ভালো করেছে, খারাপ বলবো না, মেশিন ভালো আছে। এইখানের প্রবলেমটাই প্রবলেম, আর কিছু প্রবলেম নেই, আমার কিছু খারাপ লাগেনি, ঠিক আছে, বাকি মেশিন ভালো। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।